पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स पर 11वीं जीत दर्ज की है। टीम ने 5 रन की जीत हासिल की। मौजूदा सीजन में ये पंजाब की लगातार दूसरी जीत है। टीम ने पहले मैच में केकेआर को डीएलएस मेथड से 7 रन से हराया। गुवाहाटी के मैदान पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 197 रन बनाए। 198 रन का टारगेट चेस करते हुए राजस्थान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 192 रन ही बना सकी। पंजाब के ओपनर्स ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। कप्तान धवन और प्रभसिमरन ने पहले विकेट के लिए 90 रन जोड़े। फिर धवन ने जितेश शर्मा के साथ 33 गेंद पर 66 रन बटोरे। इतना ही नहीं, आखिर में शाहरुख खान के साथ 37 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 200 के करीब पहुंचाया। इस पारी में राजस्थान के गेंदबाज विकेट गिराने में नाकाम रहे। जवाब में अर्शदीप सिंह ने राजस्थान को शुरुआती झटके दिए। उसके बाद टीम के मिडिल ऑर्डर ने कुछ रन जोड़े, लेकिन कोई भी पार्टनरशिप 35 रन से ज्यादा की नहीं हो सकी। कप्तान संजू सैमसन ने ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया था। उन्होंने बटलर की जगह रविचंद्रन अश्विन को बतौर ओपनर भेजा। हालांकि अर्शदीप ने जायसवाल को आउट कर टीम को पहला झटका दिया। उसके बाद खेलने आए बटलर भी जल्दी आउट हो गए। वे जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके। बरार ने सैम करेन की बॉल पर उनका कैच छोड़ा था। गुवाहाटी के मैदान पर बुधवार को टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 197 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने 34 बॉल पर 60 रन बनाते हुए अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक बनाया, जबकि शिखर धवन ने 56 बॉल पर नाबाद 86 रन बनाते हुए लीग में अपनी 48वीं 50 जमाए। जितेश शर्मा ने 27 रन का योगदान दिया। प्रभसिमरन के साथ पहले विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी करने के बाद कप्तान धवन ने जितेश शर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 30 गेंद पर 60 रन की साझेदारी की। जितेश शर्मा 16वें ओवर में चहल की गेंद पर रियान पराग को कैच दे बैठे। उन्होंने 27 रन पारी के 11वें ओवर की पहली बॉल पर भानुका राजपक्षे कप्तान शिखर धवन के शॉट पर चोटिल हुए। रविचंद्रन अश्विन की बॉल पर धवन ने स्ट्रेट की दिशा में खेला। शॉट इतना तेज था कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े राजपक्षे को संभलने का मौका नहीं मिला और बॉल राजपक्ष के दाहिने हाथ में लगी। बॉल लगने के बाद राजपक्षे ग्राउंड पर बैठ गए। खेल को कुछ देर के लिए रोका गया। बाद में वे रिटायर्ड हट होकर बाहर चले गए। उनकी जगह जितेश शर्मा खेलने उतरे। मौजूदा सीजन का दूसरा मैच खेल रही दोनों ही टीमें बिना बदलाव के उतर रही हैं। राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन कप्तान, जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पड्डीकल, शिमरोन हेटमायर, रियान पराग, जेसन होल्डर, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, केएम आसिफ और युजवेंद्र चहल इंपैक्ट प्लेयर्स। नवदीप सैनी, संदीप शर्मा, मुरुगन अश्विन, ध्रुव जुरेल पंजाब किंग्स, शिखर धवन कप्तान, प्रभसिमरन सिंह, भानुका राजपक्षे, जितेश शर्मा विकेट कीपर, सिकंदर रजा, सैम करन, शाहरुख खान, नाथन एलिस, हरप्रीत बराड़।